हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डिवोर्स केस ले लीजिए, मेंटेनेंस का केस ले लीजिए, 498A ले लीजिए, क्यों इसमें जो है बहुत टाइम लग जाता है केसेस की सुनवाई चलते चलते और जो डिसीजन है वो आते आते। अब सबसे प्रमुख रीज़न इसमें से ये है कि जुडिशरी जो है वो बहुत ओवरबर्डन हो गई है, खासकर आप कोविड के टाइम्स में ले लीजिए, जहाँ पे केसेस चल ही नहीं रहे हैं। जो बैकलॉग है वो तो है ही है, और जो फ्रेश केसेस जो आने हैं इस टाइम में, क्योंकि फ्रेश केसेस में भी एक स्पाइक आया, मेरे पास जो है क्वेरीज भी बढ़ गई हैं इस टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जिसकी वजह से जो है ओवरबर्डन जुडिशरी वैसे ही है, तो ये केसेस और ऐड होके और ओवरबर्डन कर दिया जुडिशरी को, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो भी आपका एक डेट और दूसरी डेट का जो टाइम है वो इंक्रीज हो गया, वो बढ़ गया है। सपोज पहले आपको 3 या 4 महीने की डेट मिलती थी, अब शायद 6 महीने की डेट मिलनी लग जाए आगे जाके। तो आप ये एज्यूम कीजिए, अगर आपका पूरा केस जो है 15 हेयरिंग में डिसाइड होता है, जिसमें आपकी प्लीडिंग्स कंप्लीट होगी, एविडेंस होगा और फाइनल हेयरिंग्स हो जाएगी, इनटू 6 महीने की अगर आपको लग रहा है तो 90 महीने हो गए आपके। 90 महीने आप सोच रहे हैं, 90 महीने का मतलब ये हुआ कि आपके 7 से 8 साल का टाइम हो जाएगा। जो केस 5 साल में ख़त्म होगा वो 6 या 7 साल में अब ख़त्म होने लग जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका केस जो है डिले हो रहा है, जुडिशरी जो है ओवरबर्डन है, 21,000 जजेस हैं अभी और 3 करोड़ केसेस हैं। और हालांकि अभी वर्चुअल हेयरिंग चल रही है, बट आपको पता ही है, मैंने एक पोल कराया था, पोल में जो है अभी भी 60-70% लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट्स उनके यहाँ खुले ही नहीं है, यानी 70% लोग अभी भी उनके डेट जो केसेस हैं, जो मार्च में सिचुएशन थी वो अभी जुलाई में है। तो सोचिए कि कितना जो है बर्डन बढ़ गया है जुडिशरी के ऊपर आज की डेट में। दूसरा प्रमुख रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या है, कि दूसरा प्रमुख रीज़न ये है कि डिलेटरी टैक्टिक्स, जो दूसरी पार्टी है वो आपको फंसाए रखना चाहती है, वो केसेस को आगे नहीं बढ़ना चाहती है, कभी किस बात पे एडजमेंट ले देती है, कभी किस बात पे, इसको जो है कुछ हद तक आप डील कर सकते हो। इसमें जैसे कॉस्ट का एक प्रोविज़न होता है कि आप दूसरी पार्टी को पे कॉस्ट लगवा सकते हो, अगर वो बिना मतलब के अगर डेट लेते हैं, कोई रीज़न शो नहीं करते कि क्यों डेट लेनी है उन्हें, तो आप दूसरी पार्टी पे पेनल्टी लगा सकते हो। हालांकि कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता, अगर दूसरी पार्टी रेडी नहीं है तो कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता, बट कोर्ट जो है कॉस्ट अच्छी खासी इम्पोज कर सकता है, ताकि अगली बार से वो ऐसा ना करें, एक पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी तो उनको एक मैसेज जाएगा कि डिलेटरी टैक्टिक्स कोर्ट्स में नहीं चले। तो मैंने कई केसेस जो है एक्सपेडाइट कराए हैं ये कॉस्ट के चक्कर में, और कई केसेस में जल्दी जल्दी डेट्स मिली हैं और फैसला जल्दी आया है। तो कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर सकते हो। तीसरी चीज़ है विटनेसेस कभी अवेलेबल नहीं होते, कभी जजेस छुट्टी पे होते हैं, ऑब्वियसली अगर जजेस का रोस्टर ऐसा है कि उन्हें ट्रेनिंग पे जाना है, छुट्टी पे जाना है, तो उस दिन आपकी वो सिर्फ एडजमेंट मिलेगी, कुछ होगा नहीं उसमें, ये भी बहुत कॉमन है इंडियन कोर्ट्स में। और दूसरा एक रीज़न है कि विटनेसेस नहीं आते हैं कोर्ट के अंदर जिस दिन सुनवाई होती है, उनकी गवाही रिकॉर्ड करने में वो कई बार पहुंच नहीं पाते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि एडजमेंट मिलती है तो वो दिन भी पूरा वेस्ट हो जाता है। तो ये सारे रीज़न मिला के जो है केसेस को बहुत ही ज़्यादा डिले कर देते हैं, कि डिसीजन आने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर एक और चीज़, अपील। अब अगर आपके फेवर में डिसीजन आ भी गया तो आपको जो है अपील में जाना पड़ेगा, या फिर एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस का अगर केस है तो एग्जीक्यूशन में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है ऑर्डर का अगर पालन सिर्फ ऑर्डर पे ही कर लेती तो एग्जीक्यूशन की ज़रूरत ही ना पड़ती, तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स अलग टाइम कंज्यूमिंग है, वो अलग टाइम ले लेती है। तो इन ऑर्डर कि आपको जो है जस्टिस मिले, तो आपको ये प्रोसेसेस जानने ज़रूरी हैं कि डिले हो क्यों रहा है। आप कमेंट कर सकते हैं कि किस रीज़न की वजह से आपका केस डिले हुआ है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।